तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो हमारे 23,600 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गॉडल के जो कीकी है, जब वो लाइव आए थे तो उनसे पूछा जाता कि क्या जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी सैलरी मिलती है क्या, तो इस चीज़ का रिप्लाई करा उन्होंने एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई कॉन्टेंट क्रिएटर को भी सैलरी मिलती है, प्लीज़ टेल। भाई देखो, जहाँ तक मेरे को पता है कंटेंट क्रिएटर की सैलरी तो नहीं होती है, मतलब अगर अच्छी ऑर्ग्स है तो, और अगर उन ऑर्ग्स में डील आती हैं तो उसका क्या होता है ना, उनके जो डील्स में पैसे आते हैं उसमें से कट होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो रहता है, मतलब सैलरी नहीं मिलती है। जहाँ तक मुझे, किसी किसी को मिलती होगी तो जो बड़े हैं ऊपर होता है भाई, उनको डील में से कट चाहिए या फिर उनको क्या चाहिए उनके ऊपर होता है वो। सैलरी भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, कितनी ले लेगा वो सैलरी। एंड चलिए अपने अगले उसका बात कर लेते हैं। तो थक जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे टीम सोल के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं टीम के अंदर एंड कोई मेजर इश्यूज नहीं है, कोई नॉर्मल इश्यूज है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। इसी के साथ साथ उन्होंने बात करी कि वो सब सॉर्ट आउट भी कर देंगे एंड उनसे ये भी पूछा जा रहा था कि क्या टीम सोल के अंदर कोई चेंजेस होने वाले, मतलब क्या कोई प्लेयर ऐड होने वाला है या कोई प्लेयर निकलने वाला है क्या। तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एंड इसका रिप्लाई देते उन्होंने और जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रॉफी आ गया, सोल का लो परफॉर्मेंस होने मत देना गाइस। सोल का लो परफॉर्मेंस का रीजन है, देखो मैं आज ही उनसे मिला, फर्स्ट टाइम मिला मैं गेमिंग हाउस आने के बाद। आई सेट विद देम फॉर एन आवर, एक्चुअली स्ट्रीम 10 बजे स्टार्ट होने वाला था, फिर मैं गया, मैं बात कर रहा था ओमेगा इन सब से। देयर आर सम इश्यूज गोइंग ऑन, हर टीम में होता है, द परफॉर्मेंस लो इज जेन्युइन, ठीक है। मैं कल वापस बैठूंगा गॉबलिन लोग के साथ, गॉबलिन आज नहीं था, हेक्टर भी बिजी था, अक्षत ओमेगा से मैं बात कर रहा था, मैं बैठूंगा उनके साथ, डोंट वरी विल गेट इट सॉर्टेड। बट येस देर आर सम इशूज विच आई थिंक इज नॉर्मल, बट राइट नाउ आपको हो सकता है अगले BMOC के पहले थोड़े से अप डाउन्स दिखे, ठीक है, बट आई थिंक दे नो वॉट दे आर डूइंग एंड दे हैव माई बैक। जब तक मैं हूँ तब तक हूँ, ठीक है, तो जब तक मैं हूँ ऐसे तो नहीं जान देंगे, बट ठीक है, मतलब इट्स होता है यार, मतलब देखो जब नई टीम बनती है हर नई टीम खुल के फाड़ के परफॉर्म करती है। द ओल्ड सोल मूवी स्काउट वाला, देयर टू का चिकन डिनर ऑन डे वन, so that's not how it is। internal issues नहीं होने चाहिए, शुभम भाई रोक नहीं सकते, internal issues are a part of team, मतलब when teams stay together, play together, होते हैं issues, but वो sort हो जाएगा, it's gonna take some time, but it's gonna be fine। Aman needed nothing like that, Aman is a commendable coach, but players का comfort और सब कुछ देखना पड़ता है। Right now team Soul is running according to how the four players wanted to run and not as how owners wanted to run। Hamara kaam hai ki they play, they ensure, they give their hard work, ye hum ensure karna chahte hain, but performance ye wo falana, it's up to them, they'll still be doing good, so tension mat lo। Team players change mat karna, not in my hands, first thing, hum log क्योंकि मतलब वैसा है कि वही बोला टीम का कॉल है ये सब, क्योंकि गैस खेलना मुझे नहीं पड़ता, खेलना आप लोग को नहीं पड़ता, खेलना मॉडल को नहीं पड़ता, गुल्ली भाई को नहीं पड़ता, खेलना उनको पड़ता है, जीतना उनको पड़ता है, जब वो हारते हैं पीलते वो हैं, जब वो जीतते हैं सबाशी उनको मिलती है, तो उस हिसाब से चलने होते हैं चीज़ें। चलो लेट्स स्टार्ट। टीम में चेंजेस होंगे क्या, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा तो इन लोग ने बोला। रेगा का क्या सीन, रेगा का सीन ऐसा है, आई थिंक नथिंग दैट आई नो ऑफ कॉम्पी को लेके उसके, बट लास्ट आई हैड अ वर्ड विद हिम मेरे बर्थडे में जब वो आया हुआ था, वो यही बोला मैं आऊँगा थोड़ा टाइम लूंगा और स्पोर्ट्स में कमबैक करने की कोशिश करूंगा, बट एज लाइक मॉर्टल सेड इट्स नॉट। एंड चलिए अपने अगले उसका रहे बात करते हैं। तो पंक जब लाइव आए थे तो बात करते सेंसी और उनकी सैलरी के बारे में, तो उस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ज्यादा नहीं। सेंसी का सैलरी कितना है पंक भाई, तेरे सैलरी पूछ रहे हैं गाइस, पास टाइम का खा लेता गाइस, समझ जाओ तुम, पास टाइम नमक रोटी खा लेता हूं पूरा, तो बता पूरा नहीं खावा नमक रोटी। हां तो वही वही आधा मैं बता रहा हूं, आधा तू बता। ठीक ठाक सैलरी तुम्हारे भाई की, मतलब इतना है कि
जी लूंगा एक नॉर्मल जिंदगी से भी थोड़ा कम। पंक ही है भाई, पंक के जो पैसे कमाता ना पंक महीने के, मैं बताना नहीं चाहता। और कुछ 5 लाख बोल रहा है भाई तेरी सैलरी। मेरी या तेरे तो 5 लाख सैलरी है, और बाकी ऊपर वाले महीने का जैसे अच्छा। इसका अंडरग्राउंड भी उस हिसाब से 10 लाख होगी अलग से। तेरा अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, यूट्यूब वगैरह में भी आ गया गाइस बंदा, अब तो 10 15 तो हो ही जाएगी आराम से। क्यों महीने के 15 लाख की बात कर नहीं भाई, इतना इतना लग जाए इतना नहीं। तो चलिए अपने अगले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिड भाई जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे सोल के ऊपर, इसी के साथ साथ उनसे पूछा जा रहा था कि जो एस पावर है वो एक टूर्नामेंट में 2 टीम से खेल रहे हैं तो क्या ये फेयर है क्या। तो इसका रिप्लाई करते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। GF in QF and today he is playing from Godel. Is it fair for other teams? Let me check. But to be honest, qualifier के बाद you can change the lineup, मतलब it doesn't matter. To be very honest, मैं check तो कर रहा हूँ मैं. अगर honestly बताओ तो. I'm really sorry, I didn't know about that, it won't happen next time, it just fell bad, that's why I sent you the text. Anyways, Congo 400k, no problem man, it's you know, it's just that ekhat event if team is not performing for a while, suddenly the messages start coming in. Audience is very impatient about everything, they're impatient about everything. If we play aggressive, aray, kya khel rahe ho? फिर प्ले पैसिव, पॉइंट्स आ गए, वाह मस्त खेले, पैसिव खा के खेल के मर गए तो एग्रेसिव खेलना चाहिए, एग्रेसिव खेल के मर गए अरे पैसिव खेलना चाहिए. तो इट्स सुपर अनोइंग एट टाइम्स, बट ठीक है कोई. एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो सोल के एनालिस्ट कम कोच है जो अमित भाई है, उनको बहुत लोग हेट दे रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है ऐसा वैसा. तो सिड भाई ने रिप्लाई करते हुए यही कहा कि अमित भाई को अगर आप हेट दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो पहले दिन से टीम सोल के साथ है, एंड ऐसा नहीं कि अभी अमन चले गए इसलिए परफॉर्मेंस लो आ रहा है. तो कुछ इशूज़ चल रहे हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगे एंड परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा. एंड प्लीज़ मैं भी यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ किसी को भी हेट मत दो एंड अमित भाई को भी हेट मत दो. एंड चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं. वैसे आपने मोस्टली ये न्यूज़ देख ली होगी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ओवेज जो है उन्होंने अपनी गेम प्ले की क्लिप डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड वहाँ पर वीरू की वॉइस लीक हो चुकी थी. एंड वहाँ पर हमें समझ आ रहा था कि जो TF प्लेयर 6 है वो वीरू है. एंड अब अगर वीरू TF के ट्रायल्स दे रहे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में गॉडलाइक को ज्वाइन किया था, एंड वो गॉडलाइक की अकेडमी लाइनअप से भी खेल रहे थे, एंड वो बीच में गॉडल की मेन लाइनअप से भी खेल रहे थे. लेकिन हम देखते हैं कि क्या सीन रहने वाला है, एंड वो TF के सिर्फ ट्रायल्स दे रहे या सिर्फ ऐसे ही खेल रहे क्या पता. एंड शायद हो सकता है कि गॉडलाइक में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा हो या सीनर्जी या जो भी इशू हो, पता नहीं क्या होगा वो तो अगर आगे में पता चलेगा ही. एंड देखते हैं कि वो TF ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं. गिरा दिया. नाइस नाइस नाइस. ये स्मोक वाले को मारा. वॉच आउट. तो चलिए अपने अग्नि उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो जैसे कि हमको पता है कि BMOC आने वाला है, एंड BGMI वालों ने उसी से रिलेटेड एक पोस्ट डाली थी, एंड उन्होंने लिखा था नेक्स्ट ड्रॉप ऑन 14th मार्च. तो शायद हो सकता है कि कल भी वो कुछ इंटरेस्टिंग हमें अपडेट दे इससे रिलेटेड. एंड जो उन्होंने BMOC से रिलेटेड वीडियो डाली थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. एंड बस आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना.